तव कथामृतं तप्त जीवनं कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरीदा जनाः। श्री श्री ठाकुर की दिनचर्या मास्टर महाशय ने लिपिबद्ध किया। हाउ मच वर्क ही हैड टू डू, बलराम भवन से नंद बसु के गृह में आए थे, फिर वहाँ से शोकातुरा ब्राह्मणी के घर में आए थे, फिर वहाँ से गरुड़ माँ के घर में गए थे भक्तगणों को कृपा करने के लिए, फिर बलराम भवन में वापस आए। उल्लेख है लौटते लौटते रात 10:45 हो गया। और लक्षणीय है इतने रात पर भी उनके साथ शोकातुर ब्राह्मण आके उपस्थित हुआ। वो ठाकुर की छोड़ने में असमर्थ है, अभी जो ठाकुर के साथ मास्टर महर्षि जो संगलाप हुआ था बलराम भवन में, वो बहुत ही मार्मिक है। यहाँ पर लौटने के बाद वहाँ पर योगीन महाराज उपस्थित थे। योगीन महाराज को ठाकुर ने बताया कि थोड़ा पैर में हाथ फेरा दो। अब ये भी एक प्रसंग है जिसके उल्लेख पहले भी हम लोग किए थे। ठाकुर किसी किसी भक्तों को बताते थे जरा पैर में हाथ बुला दो। एक बार मास्टर महर्षि को भी बोला था, एवं इसका जो कारण भी बता दिया था। जानते हो क्यों मैं बताता हूँ? तुम्हारा पूर्व जन्म में अनेक सुकृति था, इसके फलस्वरूप तुम्हें ये सेवा मिल रहा है। हम जानते हैं कि नवराधा भक्ति में, नवलक्ष्मण भक्ति में ये चतुर्थ भक्ति है, जहाँ पर कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन भी एक भक्ति का उपाय है। इष्ट की पाद सेवा तो कल्पना में हम करते हैं, गुरु के पाद सेवा, संतों के पाद सेवा से परम कल्याण होता है। और हम जानते हैं कि हरिपाद पद्म से ही गंगा का उत्पत्ति हुआ था। हरिपाद पद्म तरंगिनी गंगे हिमविदु मुक्ता धवल तरंगे, गंगा स्तंभ में है। और ये जो पाद सेवन है, इससे ठाकुर जी भक्तगणों को बताते थे, इससे उनका आध्यात्मिक कल्याण का अपरिसीम कल्याण होता था। हम दूसरे जगह में भी देखे हैं कि ठाकुर एक बहाना करके कहते देख तो हाथ बुलिए दाओ तो पाटा कामड़ाचे, और खुद ही बाद में व्याख्यान किया कि इसके एक अर्थ है, अर्थ ही है कि तुम्हारा बहुत सुकृति था, भगवान को पाद सेवन करना इतना आसान नहीं है।
आज जोगिन महाराज तो ईश्वर कोटि है, उनका धक होगा ही। इसके बाद ठाकुर कह रहे हैं, सब कुछ मास्टर मशीन ने कहा, हमारा भूख लग गया तो थोड़ा सूजी खाने चाह, सूजी का कुछ उधर में बलराम भवन में हो गया, बना हुआ रखा हुआ था। तभी देखिए जो ठाकुर का संध्याकालीन जो रूटीन था, जो नंदबूसो के भवन में भी उनको खाने दिया था, फिर शोकाधुरा ब्राह्मणी का भवन में भी उनको मिष्टान्न वितरण किया था, गोनुन माँ भी उनको घर के भीतर लेकर उनके भोजन का बंदोबस्त किया था। इतने भोजन के उपरांत उनका भूख कैसे लग गया, अर्थात ठाकुर भक्तगणों का गृह में जाके जो लोग अर्पण किया करते थे उसका दृष्टिभोग जैसे ही करते थे, ना के बराबर लेते थे, इसके प्रमाणित होता है। अगर इतना जगह में कुछ खा लिया होगा तो रात में 11 बजे भूख नहीं लगेगा, अर्थात वहाँ पर ना के बराबर कुछ लिया। श्री राम कृष्ण वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टेकिंग फूड इन अदर प्लेसेस, इसलिए कहा जाता था कि सीमा शारदा देवी जो भोजन करके देंगे वही लेते थे, ही वॉज वेरी सेंसिटिव। अर्थात इसका बात में जो ठाकुर की शिक्षा देते हैं कि वॉट एवर इज ऑफर्ड नीड नॉट बी टेकन, उसमें सोच समझ के करना चाहिए। देखिए ठाकुर के जीवन में देखिए, रात में जो बलराम भवन के, बलराम का अन्न शुद्ध अन्न है, तो बलराम में, बलराम भवन में जो सूजी का जो प्रिपरेशन रखा हुआ था उस समय में उनको कुछ अर्पण किया गया उस समय में, और वो थब लेके थोड़ा विश्राम हुआ। इसके बीच में जोगीन महाराज और ब्राह्मणी आदि सभी के करके चले गए, खाली मास्टर महाशय रह गया। तो मास्टर महाशय उनको पाद सेवन करने लगा, वो बड़ा सौभाग्यशील थे, वो तो भगवान के पार्षद थे, गौरांग के पार्षद थे, शुद्ध शक्त भक्त थे, तो पाद सेवन करने लगा। तब मास्टर महाशय ने कहने लगा, जो आज का जो घटना हुई है वो बड़ा आश्चर्य की बात है, कारण ईसा मसीह के जीवन में भी ठीक ऐसी घटना हुई थी। मास्टर महाशय अभी तक वो जो घटना हुई जो हम लोग जिसके उल्लेख किया था, मार्था एंड मेरी का प्रसंग, अभी वो प्रसंग मास्टर महाशय ठाकुर को बता रहे। तो ठाकुर बहुत आग्रह सहकार कहते, क्या क्या हुए बताओ तो क्या हुआ था। तो तब मास्टर महाशय कहने लगा कि आज जैसी घटना हुआ था वैसे ईसा मसीह का जीवन में हुआ था कि यीशु जब संग पांग लेकर दो बहन थे उनके घर में पहुंचा था, और उसमें से जो मार्था था वो दरवाज़ा खोल के उनको आह्वान किया और उनको बंदोबस्त किया, जलजों का बंदोबस्त करने में व्यस्त हो गया। लेकिन उनके जो बहन थे जो मेरी, वो ईसा मसीह को छोड़कर इधर उधर नहीं गया, वो चुप कर उनको चरण प्रांत में बैठ गए और उनको वाणी उनको सुनने लगा। जिसे कहा गया था कि थोड़ा देर बाद मार्था आके जिस ईसा मसीह को उन लोग शिकायत किया कि आप बता दीजिए इनको, जरा आकर मुझे मदद करेंगे, हम अकेले सब कुछ कर रहे हूँ कर रही हो, ये तो हमको मदद नहीं करना, आपके पास चुपचाप बैठ गए। तो मास्टर महाशय कहते हैं, तब ईसा मसीह ने वो मार्था को कहा था कि मेरी यथार्थ धन्य है, क्योंकि वो उसको ईश्वर प्रीति हो गया, ईश्वर छोड़ के वो जाना नहीं चाहेंगे। शी हैज रियलाइज दी टॉप प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ विच इज गॉड, जब भगवान ही प्राप्त हो गया उसको छोड़ के वो क्या कर सकते हैं। यही मार्था ने इस
जो अचीसा मसीह ने मार्था को बताया। तो ठाकुर आश्चर्य जो कर सुन रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो मार्था और मेरी की उपाख्यान है, जो कि शोकातुरा ब्राह्मणी के घर में भी उसका रिपीट हुआ था, इससे हमें कई सीख मिलता है। वी लर्न मेनी लेसन्स फ्रॉम दिस एपिसोड, क्योंकि हमारे मन में भी एक सर्वदा एक संदेह रहते हैं, एक प्रश्न रहता है कि संसार में जो हम लोग कर्तव्य करते हैं वो कितना तक करना चाहिए, और ईश्वर का आराधना कहाँ तक करना चाहिए। तो उपासना एवं कर्म, कर्तव्य, ये दोनों में संघात होता है। तो हम सोचते हैं दैट व्हाट मॉडल शुड वी रेप्लिकेट, मेरी मॉडल और मार्था मॉडल। मेरी मॉडल अगर फॉलो करे तो हम सब कुछ छोड़ के भगवान के पास बैठ जाए, और मार्था मॉडल फॉलो करे तो ईश्वर जो का दिया हुआ कर्तव्य कर्म हम करते रहें। और उसके लिए ईसा मसीह जो बोला था कि यू आर ट्रेवल्ड अबाउट मैनी थिंग्स, यू आर वेरी ड्यूटिफुल। ईसा मसीह मार्था को तारीफ किया, ये नहीं कहा कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम आके यहाँ पर बैठ जाओ। लेकिन वो मेरी को भी नहीं बताया तुम यहाँ से जाके उसको बहन को तुम मदद करो, ये नहीं बोला। इसकी सीख हमें यही मिलता है कि वी नीड नॉट कंपेयर आवर सेल्स विथ एनी वन, ईच इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। पहली ये बात है। दूसरा सीख मिलता है, जो मार्था तो कर्म कर रहे थे, लेकिन जब वो अपने ओर देखा और मेरी की ओर देखा, तब कंपेयर करने के बाद उसको लगा कि मेरी अगर आके हमको मदद करती तो हम भी जाके प्रभु के पास बैठ सकते थे जल्दी। और उनका जो असुविधा हुआ वो मेरी को नहीं बोला था, सीधा आके प्रभु को बोला था। द ग्रेट लेसन वी लर्न फ्रॉम मार्था, वॉट एवर वी हैव इन अवर माइंड वी शुड डिस्क्लोज टू गॉड, टू नो वन एल्स। और किसी के पास वो शिकायत नहीं किया, क्योंकि मार्था भी मानते थे ईसा मसीह उनके, शी इज ऑल्सो हर वेरी ओन। इसीलिए जो कुछ कहना है उनको ही कहा, और जो कुछ सीख उनको मिलेगा वो ईसा मसीह से ही मिलेगा, मिला भी। तो उनने सीधा जाके ईसा मसीह से उनको हृदय का जो असुविधा हो रहा है व्यक्त किया। ये पहला सीख हमारा है, हमारे जीवन में जो कुछ असुविधा हो रहा है वो जाके हम सीधा भगवान को ही बोले, और दूसरे किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट लेसन वी हर्ड, वी टेक इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इसको रिव्यू किया है मास्टर महाशय ने प्रभु के पास। दूसरा बात हम देखते हैं कि जो हम अपने ओर जो भगवान कर्म दिया है वो हम यथासाध्य करें, और उसके लिए हमें और किसी को मदद का अपेक्षा नहीं करना चाहिए। हम जितना हो सके हम कर्म करें, और जो दूसरा व्यक्ति है वो कैसे जीवन जी रहे हैं उसका अपना जो रुचि अनुसार, उनका जो कीर्ति अनुसार, उनका जो मनोभाव के अनुसार वो करेंगे। तो ईच इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। हमारा जो कर्तव्य भगवान दिया है, तो जैसे ईसा मसीह ने बताया, यू आर वेरी ड्यूटीफुल, तो वो अपना कर्म निभा रहे हैं, वो अपना कर्म करते रहें और जितना हो सके वो करें, एवं उसका जो समय होगा तो भगवान उसको बुला लेंगे। क्योंकि भगवान के पास बैठने के लिए हमारे मन का प्रस्तुति का प्रयोजन है। कर्म बंद करके बैठ जाने से जो हमारे मन में सदा सर्वदा रहता है, कर्म हमारे जीवन का एक प्रतिबंधकता है,
भगवान को पाने में, ये गलत है। कर्म भगवान को पाने में एक उपाय है, प्रतिबंधक नहीं है। कर्म हमारे मन को चित्त शुद्ध कर देते हैं, मन को भगवान की ओर ले जाते हैं। और जब मन शुद्ध हो जाता है, मन साफ हो जाता है, तब वो अपने आप भगवान के पास आके बैठ जाएंगे। तब कर्म ही उनको छोड़ देगा, उनको कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं। द माइंड बिकम सो फुल विद गॉड दैट दिस पर्सन इज अनएबल टू डू एनी अदर वर्क। जो गोलाम्मा का हुआ था, गोलाम्मा खुशी से इतने अपलुत हो गए, वो सब उस समय में वो काम करने में असमर्थ हो गए। इज नॉट दैट गोलाम्मा पहले बाद में कर्म नहीं किया, बहुत कर्मठ थे, लेकिन जब प्रभु के साथ उनका उपस्थित हो गया, जब प्रभु को मिल गया, तो प्रभु को छोड़ के और कुछ कर्म बचता नहीं। तो ये द्वितीय जो हमारा सीख है, जे हमें ये जो कर्म करना पड़ रहा है हम करें, किसी के ओर देखते हुए हमें जो तुलना करने का अनुचित है, उसमें मन दुखी हो जाता है। वी शुड नॉट लुक टू अदर्स वेदर व्हाट ही और शी इज़ डूइंग। ये आपके पास बैठ गए, हम नहीं बैठ पा रहे, ऐसी किसी को साथ, ये हमारे जीवन के एक बड़ा अनर्थ है। वी आर फाइन बट एज सुन एज वी कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर्स वी बिकम डिजेक्टेड। वी आर डूइंग फाइन। जब एक दूसरे को हम कंपेयर करते हैं, तब हम सोचते हैं शायद उनके बराबर हमारा कुछ काम है, ये ज़्यादा है, ये नहीं करना चाहिए। सब भगवान के संतान हैं, भगवान उनको सबको देख रहे हैं। ना हमें किसी को सिखाना है, ना हमें किसी को साथ कुछ मदद लेना है। प्रभु जो कर्म हमें दिया है वो हम अपने सामर्थ्य अनुसार करें। तृतीय बात है कि जब मार्था देख रहे हैं कि अपने बहन जो वहाँ पर आके प्रभु के पास विराजमान है, बैठे हैं, आनंद उपभोग करना है, कर रहे हैं, तब उनको खुशी होना चाहिए कि मैं तो वहाँ पर जाके बैठ नहीं पा रही हूँ, कम से कम हमारा बहन ठाकुर के पास, भगवान के पास आके उनके वचनामृत सुन रहे हैं, उनका मन के इतना प्रस्तुति हो गया। भगवान के साथ भगवान को लेके आनंद में रहना इतना आसान बात नहीं है। टू रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ गॉड, इन द जॉय ऑफ गॉड कंटिन्यूअसली इज़ नॉट ए मैटर ऑफ जोक। अगर जो करने में समर्थ है उसको वो मदद, उसको अवसर देना चाहिए। जैसे एक अनुरूप घटना हुआ था, जब बरानागर मठ में जो ठाकुर के अंतर्धान के बाद उनके सन्यासी शिष्यगण रहा करते थे, एवं प्रत्येक व्यक्ति कुछ कर्म मठ का कर्म करते थे, लेकिन उसमें जो काली महाराज अवेदानंद जी, वो कुछ कर्म करने में परामुख नहीं था। वो वेदांत चर्चा में इतना मशगूल हो जाते थे, कर्म भूल जाते थे। तब सबने शिकायत किया, इसी तरह वो तो कर्म नहीं कर रहे, स्वामी विवेकानंद थे, शिकायत किया जी काली वेदांती वो कुछ कर्म नहीं करते, दिन रात वेदांत चर्चा करते हैं। तो स्वामी जी भी अनुरूप भाव में काली महाराज को नहीं बोला तुम ये सब छोड़ के कर्म करो। उन्होंने बताया तुम्हारा एक भाई अगर ये वेदांत चर्चा में इतना समय बिता रहे हैं, वो तो अन्याय कुछ कर नहीं कर रहे हैं, वेदांत चर्चा कर रहे हैं, तो उनको कर्म में हमें मदद करना चाहिए। उनको इस विचार में हमें मदद कर, हम तो नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम वो वेदांत चर्चा कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उनको परोक्ष रूप से हमें मदद करना चाहिए, उनका कर्म हमें शेयर करना चाहिए। तो स्वामी जी बहुत नाराज़ हो गए, उन्हें कहा तुम्हारा जो बर्तन धोने का जो कर्म है ले आओ, मैं सब कर दूँगा, उसका बर्तन उसको धोने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ने दो, शास्त्र चर्चा कर रहे करने दो। ये सामाजिक उदार दृष्टि में था, ये हमारे सीख मिलता है कि जब संसार में हम देखते हैं कि हम जब कर्म कर रहे हैं, दूसरे की उपासना कर रहे हैं, तब हमारे मन में थोड़ी ईर्ष्या होता है, ये तो कर्म नहीं कर रहे हैं, ये तो भगवान को भजन कर रहे हैं। जिसको जैसे रुचि है, मन के प्रस्तुति है, वो करें। लेकिन आखिर में जो वाणी ईसा मसीह ने दिया था
कि वो धन्य है क्योंकि वो ईश्वर को लेके ईश्वर के सन्निधि में रहने से जीवन का प्राथमिकता बना लिया। वही होना चाहिए। हम कर्म करते हैं लेकिन हमारे मन में होना चाहिए कि हमें भी वैसी एक अवस्था होना चाहिए जब हम ईश्वर को लेके संपूर्ण रूप से आनंद में मशगूल होने का अवस्था हमारा आ जाए। तब क्या होगा? तब कर्म अपने आप हमसे छूट जाएगा। तो इसी ये अनुरूप घटना हुआ था। हमें मार्था और मेरी के जीवन से कई सीख मिल रहा है जो कि जीवन में अनुपालनीय है। अभी इसके आधार पर ठाकुर इस प्रश्न को और भी आगे बढ़ा रहे हैं जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। 10:30 बजे के बाद शारदा संकट क्लास माँ की मधु स्मृतियाँ, और आज एकादशी भी है, राम नाम संकीर्तन है, इसलिए आरती के बाद नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन आज नहीं होगा, उसके परिवर्त राम नाम संकीर्तन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।